वेलकम गाइस, सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन, इसके अंदर अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है लैंग्वेज को, हैंग टच को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो बस अभी ये देखे टच, ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अभी हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो ये बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है और इसमें कोई भी मूवमेंट एक्स्ट्रा आपका वर्क नहीं कर रहा है। टच प्रॉपर हैंग हो रखी है, आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते इसके अंदर, तो ये दिक्कत है। तो इस दिक्कत को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना, आप इसमें टू फिंगर का यूज़ करें। ये देखें, टू फिंगर पे आपकी टच वर्क करती है, सिंगल पे वर्क नहीं करेगी। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, ये रहा, सिलेक्ट करके इस पर डबल प्रेस करेंगे, ये आ गया। हम अब हमें जाना है नीचे, ये देखें, अब हम नीचे जा रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो टू फिंगर से जाएंगे नीचे, यहाँ पे हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इस पर डबल प्रेस करेंगे, ये आ गया ऊपर, सबसे हमारा दिया हुआ है रिकमेंडेड फॉर यू। ठीक है, और हमें जाना है अब टॉल बैक वाले ऑप्शन पे जिसकी ये प्रॉब्लम आ रखी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर डबल प्रेस कर देंगे। फिर ये जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर वाला, आप इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर से डबल प्रेस, नीचे टर्न ऑफ, सिलेक्ट, डबल प्रेस, और ये हैंग टच की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब आप सिंगल फिंगर से इसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।